हाय गाइस, वेलकम बैक टू नॉस्टैल्जिक स्टोरीज। मेरा नाम है सौम्यदीप मंडल, आपका प्रिय नरेटर। कल हमने जैसे आपको सुनाए थे बादशाही अंगूठी पार्ट 6, आज लेकर आए हैं वादे से ही पार्ट 7। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की कहानी, बादशाही अंगूठी पार्ट 7 बाय सत्यजीत राय। फेलुदा ने मुझसे कहा कि उसको हरिद्वार और लक्ष्मण झूला के बारे में एक किताब खरीदना ज़रूरी होगा। मलकानी की दुकान के सामने हमको एक और किताब की स्टोर मिल गई थी, एम्पायर बुक स्टोर। मैं और फेलुदा जैसे ही उस बुक स्टोर के अंदर घुसे, वहाँ पर ही हमें दिखने को मिला महावीर प्यारी लाल का बेटा। फेलुदा फुसफुसा कर मेरे पास आकर कहा, देख तोपशे, लगता है वो क्रिकेट का बुक खरीद रहा है। गुड। महावीर हमको देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसका पीठ हमारे तरफ था। फेलुदा एक दुकानदार के पास जाकर पूछा, नेवल कार्टन्स का कोई किताब है आपके पास? ये कहने पर ही महावीर फेलुदा के तरफ घूमकर खड़ा हुआ। मैं जानता था नेवल कार्टन्स क्रिकेट के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे किताबें लिखे हैं। दुकानदार ने कहा, एक सेकंड, आपको कौन सी बुक चाहिए? सेंचुरीज किताब है आपके पास? ना जी, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको कोई दूसरा चाहिए तो वो हम दिखा सकते हैं। महावीर एक मुस्कुराते हुए चेहरे को लेकर फेलुदा के पास आकर कहा, आपको भी क्रिकेट में इंटरेस्ट है? हाँ है, आपको भी देख रहा हूँ। ये कहते हुए महावीर ने अपने हाथ का किताब फेलुदा के पास दे दिया। ये मैंने पहले से ही ऑर्डर दे रखा था, ब्रैडमैन का बायोग्राफी है। ओहो, ये तो मैं बहुत पहले पढ़ा था, बहुत ही मजेदार है। अच्छा, आपको क्या लगता है, रणजी बड़े थे या ब्रैडमैन? उसी वक्त दोनों ने मिलकर क्रिकेट के बारे में एकदम जम कर कहानी बोलने लगे। फेलुदा के साथ बात करते करते कुछ देर बाद महावीर ने एक बात कहा, अरे इधर खड़े होकर हम क्यों बात कर रहे हैं, इधर बाजू में ही क्वालिटी का शॉप है, चलिए ना जाकर बैठ के चाय पीते हैं। फेलुदा थोड़ी देर के लिए भी रोक टोक नहीं किए, हम तीनों क्वालिटी के पास चले गए। उन दोनों ने चाय और मैंने कोका कोला ऑर्डर दिया था। महावीर ने बोला, आप खुद क्रिकेट खेलते हो? हाँ खेलता था, स्लो स्पिन बॉल देता था हमेशा। लखनऊ में भी मैं क्रिकेट खेलकर गया हूँ, और आप? मैं ड्यून्स के स्कूल में फर्स्ट 11th में खेला था, पिताजी भी जब स्कूल में थे तब बहुत ही अच्छा खेला करते थे, मैंने सुना है। प्यारी लाल का बात उठते ही महावीर जैसे थोड़ा सा गंभीर हो गया। फेलुदा चाय के प्याली में चाय डालते हुए कहने लगी, अब तक अंगूठी चोरी के बारे में आपको कुछ पता चला? हाँ, डॉक्टर श्रीवास्तव के घर पे गया था, उन्होंने ही बताया। आपके पिताजी के पास ऐसा एक अंगूठी है और वो उन्होंने श्रीवास्तव को दे दिया था, क्या ये आपको पता चला था पहले? वैसे मुझे ठीक कर देने के लिए पिताजी ये सोच रहे थे कि वो डॉक्टर श्रीवास्तव को कोई एक गिफ्ट दे दे, और वो गिफ्ट क्या है वो तो मुझे पापा के मौत के बाद ही पता चला था। और फिर फेलुदा की तरफ घूमकर उसने पूछा, वैसे आप इस मामले में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? वो थोड़ा मेरा एक शौक है। महावीर चाय के प्याली से एक सिप की चाय पीकर जैसे अपने ही दुनिया में खो गया। फेलुदा ने पूछा, आपके घर में अब और कौन कौन रहते हैं? मैं और मेरे कुछ सर्वेंट्स। उस अंगूठी से बढ़कर कोई चीज आपके घर में है? इधर आने के कुछ दिन बाद मैं पिताजी के बहुत सारे चीजें इधर उधर करके देख रहा था, मुझे एक लोहे का सिंदूक भी मिला था, उसे खोल के देखने के बाद उसमें बहुत सारे मुगल के जमाने के बहुत से चीजें मिले, लेकिन नहीं, उस अंगूठी के जैसा कीमती चीज और कुछ भी नहीं था। महावीर कुछ देर तक चुप रहकर अपना आवाज़ धीमी करके फेलुदा के पास आकर कहने लगा,
प्रीतम सिंह मेरा एक पुराना नौकर है, वो मेरे जन्म के पहले से ही इधर काम करता है और उसने मुझे कुछ अजीब चीज बताई है। फेरेदार में दोनों चुप। महावीर कहने लगा, मेरे पिताजी के पीठ में एक प्रॉब्लम था। वैसे तभी डॉक्टर श्रीवास्तव हमारे कांटेक्ट में नहीं थे, वो हर बार चेयर से या फिर बिस्तर से उठने के लिए जब प्रयास करते थे तब उनको बहुत ही गहरी चोट आती थी और वो जोर से चिल्लाते थे, लेकिन मेरे पिताजी इतने स्ट्रांग हैं कि वो अपने आप को संभाल लेते थे। लेकिन प्रॉब्लम तो इधर ही है, मेरा नौकर मुझे कहा था कि उस दिन आवाज थोड़ा जोर से ही था, उसने सोचा कि शायद से वो और भी दर्द पाए होंगे, इसलिए वो ज्यादा जोर नहीं देकर अपने ही काम पे वापस आ गया। ऐसे ही वक्त में हमारे रेस्तरां में वन बिहारी बाबू का नौकर गणेश आकर इधर मौजूद हुआ। वो हमारे टेबल पे आकर बैठ के कहता है, और साहब सब ठीक है? मैं सोच रहा था आपके साथ आके थोड़ा सा मिलूं, यही थोड़ा काम था और अपुन जा रहे हैं इधर से, और काम नहीं कर पाते इधर का। फेलुदा ने कहा, ये क्या बात हो गया, आप कहाँ चले जा रहे हो? आप इतने सालों से हो उनके साथ और अचानक से अभी कह रहे हो कि मैं जॉब छोड़ दे रहा हूँ। सच में साहब, और नहीं ले जा रहे, एक तो उधर का बदबू एकदम अपुन को अच्छा नहीं लगता। आपको एक बात बताता हूँ, इधर आओ। ये कहकर हम तीनों ने उसके पास आकर बैठे। वो अपनी आवाज धीमी करके एक बार रेस्तरां के इधर से उधर देख लिया, फिर कहने लगा, साहब मेरी बात सुनो, वो बंदा है ना वन बिहारी, मैं बोल दे रहा हूँ अति शाना है, इतना शाना ना मैं अपने पूरे दुनिया में नहीं देखा, इतना चालाक है कि कब मेरे मुंह से निवाला लेकर भी दौड़ जाएगा ये अपुन को पता भी नहीं चलेगा। आजकल बिजनेस तो हो नहीं रहा है टकले का, लेकिन मालूम नहीं कहाँ से बहुत पैसा आ रहा है, और वो उसका वो सब प्राणियों को संभालते संभालते अपुन का भी दिन निकल जाता है और अच्छा नहीं लगता है साहब, बहुत परेशानी होती है उधर। ये देख रहे हो, ये देखो, ये कहकर गणेश अपने गले में एक दाग दिखाया जैसे किसी ने पंजा मारा हो। ये देख रहे हो साहब, हाइना का है, इधर खाना खिलाने गया था उसको, कब नहीं मालूम अपुन को ऐसा एक पंजा दिया, अपुन तो दो तीन दिन उधर ही घर पे था, फिर बुड्ढा आकर बोलता है कि चलो तुम्हारे अलावा काम नहीं होने वाला, उसलिए आया मैं। तो फिर अब आप क्या करने वाले हो? कुछ नहीं साहब, ये देखो टिकट निकाल लिया हूँ, अपुन जा रहा अपने घर, उधर ही जाकर रहेगा, घर का लड़का घर वापस आ गया, इसके खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे पास, जाके देखेगा खेती वेती मिला तो वही करके जिंदा गया, अभी जिएगा देखता हूँ कैसे। अभी मेरा ट्रेन का टाइम हो रहा है, मेरे को निकलना पड़ेगा साहब, चलो आपसे मिलकर खुश हुई, आपको भी महावीर बाबू। ये कहकर जल्दबाजी में ही गणेश वहां से निकल गया। मैं और फेलुदा चुप, क्योंकि हमको आधी बात समझ में ही नहीं आई। हम तीनों रेस्तरां से निकल कर आए। महावीर अपना चश्मा पोंछ कर कहा, देखो फेलुदा, अगर मुझे पता चला कि मेरे पिताजी का डेथ अननेचुरल है और इसके पीछे किसी का हाथ है तो मैं कानून तोड़कर ही बदला लूंगा, चाहे वो कोई भी होने दो, चाहे वो आप भी रहने दो तो क्या, मेरे पास रिवॉल्वर है, साथ ही उसका लाइसेंस भी, और मेरे जैसा टिप मेरे स्कूल में किसी का भी नहीं था। ये कहकर महावीर रास्ता पार होकर अपने स्टैंडर्ड गाड़ी से निकल गया। फेलुदा जोर से ही कहा, शाबाश। फिर क्या, हम दोनों निकल पड़े टांगे के खोज में। इतने देर तक आप सुन रहे थे नॉस्टैल्जिक स्टोरीज में बादशाही अंगूठी पार्ट 7। आपको ये कैसी कहानी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक स्टे ट्यून्ड।